राम राज्य में कौन सा, उसमें भी गरीबों का दलितों का शोषण होता था, राम राज्य में भी कान में शीशा पिघला के डाला गया लोगों के, ये सब बात नहीं। हमें राम राज्य नहीं चाहिए, हमें है ना यहाँ समाजवाद चाहिए। हम आदमी हैं, इस देश की आवाम है, इस देश की जनता है, प्रेम से रहें। मोदी जी बड़े चक्कर में फंस गए, सही बात तो ये, मोदी जी ने पढ़ा था हिंदू मुस्लिम, मोदी जी ने पढ़ा था मंदिर मस्जिद, मोदी जी की लेकिन परीक्षा में बैठे तो यहाँ आ गया सिख और किसान। बंदी पे ये नहीं टिके, GST पे ये नहीं टिके, रेरा में ये नहीं टिके, ठीक है कोरोना में ये नहीं टिके, 12 लाख देंगे उस पर नहीं टिके, किसान की दुगनी आए उस पर नहीं टिके। ये सरकार और सरकार के फरिश्ते भी वापस ले गए, किसान में इतना दम है और जब दम कम से आया है। आप पूजा करते, प्रार्थना करते, आराधना करते, जो भगवान को भोग लगाते वो भी किसान के खेत से, किसान का पैदा हुआ भगवान को भोग लगाया जाता है, तो भगवान भी भूखे रह जाएंगे अगर इस देश में किसान जिंदा नहीं रहेगा तो। 370 से कौन से रोजगार मिल गए, 370 से कौन सा देश का है ना शिक्षा का स्तर बढ़ गया, 800 मंदिर पहले से, हजारों मंदिर पहले से, हर आदमी के, हर व्यक्ति के घर में, हर आदमी के घर में मंदिर है, और कहीं मंदिर नहीं है तो हम लोग तो उस परंपरावादी हैं, इस देश की वो तहजीब है कि हमारा तो, हम लोगों का तो सबका हृदय मंदिर है। हमें मंदिर से क्या मिल जाएगा, हमें मस्जिद गिराने से क्या मिल जाएगा, हमें हमारी फसल की कीमत चाहिए। राम राज्य में कौन सा, उसमें भी गरीबों का दलितों का शोषण होता था, राम राज्य में भी कान में शीशा पिघला के डाला गया लोगों के, ये सब बात नहीं। हमें राम राज्य नहीं चाहिए, हमें है ना यहाँ समाजवाद चाहिए। हम आदमी हैं, इस देश की आवाम है, इस देश की जनता है, प्रेम से रहें। मोदी जी बड़े चक्कर में फंस गए, सही बात तो ये, मोदी जी ने पढ़ा था हिंदू मुस्लिम, मोदी जी ने पढ़ा था मंदिर मस्जिद, मोदी जी की लेकिन परीक्षा में बैठे तो यहाँ आ गया सिख और किसान, सिख और किसान आ गया। अब ये परीक्षा में आप समझो, जब हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पढ़ा है तो भैया उनको अनुत्तीर्ण तो होना ही है, उन्हें फेल तो होना ही है। ये किसान से, सिख से, इस देश के, वो तो आपको किसान भी नहीं मान रहे हैं। कौन वो नहीं मान, हम उन्हें नेता नहीं मान रहे, बताओ हम उनको प्रधानमंत्री नहीं मान रहे, बताओ वो हमसे है, हम उनसे आप बात करते हो भाई साहब। एक मिनट, क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत मेरे किसान भाई ने बहुत अच्छी बातें कही है, देश की विडंबना है, ज्यादा कुछ नहीं, आपने पत्रकार महोदय बहुत बातें घुमाई हैं, और मैं तो धन्यवाद देता हूँ आप लोगों का सोशल मीडिया के माध्यम से कि आप लोग जमीनी बातें हाईलाइट करेंगे और ऐसी बातें जो सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों को हिट करेगी, और ये भी धन्यवाद के पात्र हैं, इन्होंने बहुत ही नपीतुली बातें करी। वास्तव में हमारे देश का आज विडंबना है कि देखिए, जिसने हमारी भाभी के साथ अन्याय किया वो आज प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, और जिन्होंने पत्नी का मुँह नहीं देखा वो भाजपा की RSS विचारधारा के लोग 12-12 बच्चे पैदा करने के लिए। ये मुद्दे से, ये आप लोग कह सकते हो वही मुद्दे नहीं है, ये मुद्दा नहीं है, ये कहते। अब आपने, आपका ये क्वेश्चन था मेरे भाई से कि आप विश्वास, किसका विश्वास करें, Day 1 से ये सरकार झूठी, झूठी झूठी और फरेबी सरकार, ये अपनी बात पर नहीं टिकते, नोटबंदी पे ये नहीं टिके, GST पे ये नहीं टिके, रेरा में ये नहीं टिके, ठीक है कोरोना में ये नहीं टिके, 12 लाख देंगे उस पर नहीं टिके, किसान की दुगनी आए उस पर नहीं टिके। अब आते हैं मुद्दे पे, मुद्दा आज किसान का है, उसी पे बात हो तो देन बेटर, बहुत ही अच्छी रहेगी। और आप भी, आप गोदी मीडिया और मोदी मीडिया से हटके यदि काम कर रहे हैं जमीन स्तर पे, आप दोनों पत्रकार महोदय धन्यवाद के पात्र हैं। सर, भारत बंद किया गया है, इससे पहले भी कई बार वार्ता हो चुकी है, क्या लगता है इसके बाद सरकार कानून वापस लेगी? नहीं, वापस लेगी, उसको लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। अब मैं ज्यादा बड़ी बात ना कहूं, ये सरकार और सरकार के फरिश्ते भी वापस ले गए, किसान में इतना दम है और जब दम कम से आया है, ये समय कितना ही ले लें, ये ना टटोल लाए, और ये सोच रहे हैं कि किसान है ना जो देश का एकत्रित हुआ है, इकट्ठा हुआ है, संगठित हुआ है, तो ये इनका प्रेशर है ना मेरे ऊपर, जो दबाव है वो कम हो जाए। ये केवल ये है कि कहीं ये खुरापात कर दें, कहीं दंगा कर दें, कहीं फसाद कर दें, तो ये मेरे आंदोलन को तोड़ने के लिए। तो मुझे, मैं बताऊँ ना आपको, कल 9 तारीख है, कल वार्ता का उन्होंने टाइम दिया है, तो आज पूरे देश का वो देख लेंगे माहौल किसान क्या है। किसान के सपोर्ट में सारे के सारे व्यापारी वर्ग हो, चाहे पेट्रोलियम विभाग के लोग हों, चाहे ट्रांसपोर्ट विभाग के लोग हों, सारे के सारे बंदे किसान के पक्ष में आज खड़े। सबको पता है किसान की महत्ता को, किसान की इंपॉर्टेंस को, कि किसान कितना महत्वपूर्ण है, अन्नदाता, विधाता से भी ज़्यादा। अगर आपके घर में भगवान है और आप पूजा करते, प्रार्थना करते, आराधना करते, जो भगवान को भोग लगाते वो भी किसान के खेत से, किसान का पैदा हुआ भगवान को भोग लगाया जाता है, तो भगवान भी भूखे रह जाएंगे अगर इस देश में किसान जिंदा नहीं रहेगा तो।
कहा गया था कि अच्छे दिन आएंगे, किसानों की आय दुगनी होगी, लेकिन आज किसान सड़कों पर है। नहीं, सड़कों पर इसीलिए तो है क्योंकि मोदी जी ने जो कहा है वो तो हुआ ही नहीं। 2 करोड़ रोजगार के लिए कहा था, कम से कम 10 करोड़ रोजगार चला गया। देश बेचने नहीं दूंगा, लगातार बेच रहे, रेल बेच रहे, एयरपोर्ट बेच रहे, आप किसानों को बेचने की तैयारी है। तो ये जो कहते हैं वो होता नहीं है, लोग समझ नहीं पाए। इनकी भावनाओं में आके, पहले मीठी मीठी बातों में आके लोग बैग गए और इनको सत्ता पे ला दिया। लेकिन जो लोग अभी तो ले आए नहीं, दोबारा तो एक में दोबारा तो इसलिए ले आए कि चुनाव से 3 महीने पहले इन्होंने जनता के, देश के साथ, जनता की आवामी के साथ, इस देश की सेना के साथ विश्वासघात किया, वितरघात किया, फर्जी तरीके से इन्होंने वो स्ट्राइक दिखाई और 42 जवान शहीद करा दिए। लोग इस देश के भावनाओं में आ गए और को फिर ला दिया। इनके सुनिए, 5 साल के विकास पे इनको दोबारा नहीं आए, ये गारंटी से किसान को पूछो। 5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ देश की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं किया। सिर्फ ये है कि इनका विश्व पटल पे नाम मोदी जी हिंदुस्तान का ऊपर ले जा रहे, इस भावनाओं ने इनको दोबारा बना दिया है। अब विश्व पटल पे इनकी फदियत हो रही है क्योंकि ये देश का, ये जो किसान का जो काला ये कानून है जिन्होंने पारित किया है, अब हमारे किसान नेताओं ने सिर्फ संशोधन ना करके हाँ ना में जो जवाब मांगा है, इनकी गले की हड्डी बन चुका है। क्यों? अगर ये कि ये काला कानून रद्द नहीं करते हैं, जैसा का ऐसा ही रहेगा, तो हिंदुस्तान की 80 करोड़ जनता के ये किसान विरोधी हैं। अगर ये इसको रद्द करते हैं तो ये झुक जाएंगे, इनका गुरु टूट रहा है और ये इनकी गले की फांस बन चुका है ये, और ये तो टूट के रहेगा इनका गुरु। कहते हैं कि विकास पर वोट मिला है हमें, राम मंदिर बनवाया, धारा 370 हटाई, जो 70 सालों में काम नहीं हुए वो हमने किए। 370 से कौन से रोजगार मिल गए, 370 से कौन सा देश का है ना शिक्षा का स्तर बढ़ गया। 300 की कश्मीर में जमीन खरीद सकते, कश्मीर में कौन जा रहा भाई साहब, कश्मीर में कौन जा रहा, जो कश्मीर रह रहा उसी को आराम से रहने दो। हम यहाँ उत्तर प्रदेश में आराम से रह रहे हैं, आराम से रहने दो। मंदिर बन, 800 मंदिर पहले से, हजारों मंदिर पहले से, हर आदमी के, हर व्यक्ति के घर में, हर आदमी के घर में मंदिर है, और कहीं मंदिर नहीं है तो हम लोग तो उस परंपरावादी हैं, इस देश की वो तहजीब है, तो हमारा तो, हम लोगों का तो सबका हृदय मंदिर है। हमें मंदिर से क्या मिल जाएगा, हमें मस्जिद गिराने से क्या मिल जाएगा, हमें हमारी फसल की कीमत चाहिए और सबसे न्यूनतम जो समर्थन मूल्य, न्यूनतम सबको मिलता है, अधिकतम MRP MSP ये वो किसान नहीं है जो समझता ना हो, मुझे जो मिलता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, फायदे वाला नहीं, समर्थन मूल्य। और जो चाहे कोई कलम भी बनाता है तो उसको भी MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। क्या हम न्यूनतम के लिए भी मेरी नहीं, आज ये कानून लेके आए नहीं, ये कानून तरीके से लाते, ये विपक्ष से बात करते, इस देश के किसानों से बात करते, किसान लीडरों से बात करते, किसी से बात नहीं, लोकसभा में पारित कर लिया, चलो ठीक है बहुमत में, राज्यसभा में पहुंचे तो राज्यसभा में इन्होंने ऐसे कंडीशंस पैदा कर दी कि विपक्ष बाहर चला गया, और वॉइस वोट से इन्होंने ये कानून थोप दिया। अब महामहिम जी राष्ट्रपति जी, अब उनका क्या है, बेचारे वो मंदिर में नहीं जा पाते। इस देश में व्यवस्था आप देखिए, देश का प्रथम नागरिक अगर मंदिर में जाता है तो उसके लिए मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते। ये देश है, ये मोदी जी की व्यवस्था है, ये श्रीमान मोदी जी की व्यवस्था है, इस देश की भाजपा की व्यवस्था है ये, कि इस देश का राष्ट्रपति मंदिर में नहीं जा सकता, इस देश का किसान यहाँ आंदोलन नहीं कर सकता। ये हिटलर साहब की हिटलर शाही इस देश में नहीं चलने देगी, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। अब अभी आपने राम मंदिर की बात की थी, लेकिन मैं बताऊं ये पूरा ढोंग है। बिहार चुनाव में बहुत प्रचार हुआ था इस मुद्दे को, नहीं मुद्दे को लेकर प्रचार हुआ, लेकिन अंदर की बात करता हूँ। जे जो हमारे योगी जी हैं, इन पे 125 मुकदमे थे, किसके थे, 302 भी था, आपको पता नहीं है, इन्हें अपने सारे मुकदमे वापस लिए। इनका अंदर से दिल काला है, बिल्कुल काला है जी, हमेशा ये चाहते हैं कि देश में कट्टर मतलब दंगा प्रसाद होता रहे और हम अपने हिंदू मुस्लिम के नाम पर लेते रहे। लेकिन राम मंदिर का इनका ढोंग है सीधा, अभी इलाहाबाद में जाके कह रहे थे, अरे किसी, ये हिंदुस्तान किसी का है नहीं का, कह रहे थे OBC को यहाँ से भागना पड़ेगा, उनको भागना, अरे भाई क्यों भागना पड़ेगा, वो इस देश में पैदा नहीं हुए क्या, वो इंसान नहीं है क्या, अरे इनके अंदर इंसानियत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है इनके अंदर इंसानियत। योगी जी का बयान आया था, कह रहे थे कि जाटों ने जो है ये बॉर्डर सील कर रखे हैं। नहीं, जाट सिख क्या होता है, हम किसानों ने किया है, हम किसानों, लेकिन दूसरी बात,